का जायंट पिज्जा आ गया। बाल हट जाएगा यार, ये तो इतना छोटा है कि मेरे मुंह में। ये है मेरी जायंट चेयर। बेचारा चेयर मन ने सोच रहा होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं समरीन और मैं हूं सुबीर। तो आज हम करने वाले हैं जायंट वर्सेस टाइनी चैलेंज, और मैं बनी हूं आज जायंट फॉर 24 आवर्स और मैं बनी हूं टाइनी। तो चलो देखते हैं कि आज हमारे पूरे दिन में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हमें नहाना है, जो कि हम साल में एक बार करते हैं। ये करती होगी। ये है मेरा जायंट शैम्पू, और ये है मेरा टाइनी शैम्पू, और ये है मेरी जायंट बाल्टी, और ये मिनी बाल्टी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो जैसे कि मैंने पहने अपने साइज के कपड़े, तो अब मैं पहनने वाली हूँ जायंट कपड़े। और जायंट कपड़े मेरे पास देखो, जायंट जैकेट है, और ये पहनकर मैं कैसे बाहर जाऊंगी? सब लोग समझेंगे कि मतलब किसका पहनकर आ गई, मांग कर आई है टाइनी जैकेट। अरे यार, मैं तो इसमें आ भी नहीं पाऊंगी, और मकासा का है। क्या बोला तूने? और इसमें तुम्हें आना पड़ेगा भाई, मैं जब जायंट पहन रही हूँ। ये देखो गाइस, ये हाथ घुसाने के लिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये पहनेंगे कैसे। ये बस सर पे लगाना और ये पहनना। तो गाइस हम चलो पहनते हैं इसको, और फिर आप लोग हमारा लुक देखो। वाह, मांगे हुए कपड़ों में तो काफी खूबसूरत दिखती हो। जादू बन जादू गाइस। जैसे कि मैं जीन्स भी मुझे जायंट पहननी होगी, तो मैंने काफी बड़ी जीन्स ली है वैसे तो। ये देखो ढीली ढाली बिल्कुल। मेरी किस्मत इसमें ठंडी थोड़ी जाएगी मेरी यार, ये तो इतना छोटा है कि मेरे मुंह में भी नहीं आ रहा है। अरे यार, मैं काफी तो बेहोश हो रहा है अपने कपड़े को दूसरे को पहनते देखकर। मम्मी मुझे क्या कर दो? कान में हवा जाएगी यहाँ से, और ये हो गया सर पे टोपी। चल अबे यार, ये क्या देखना पड़ रहा है, क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है मैंने केजरीवाल की टोपी लगा रखी, जैकेट को मैंने कैप बना दिया, और मैं तो लग रहा है पता नहीं किसके कपड़े पहन कर आ गई हूँ, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है सारा का सारा कपड़ा इसी जैकेट में लग गया हो। कितने 10 जैकेट आ जाएंगे इसमें। मैंने अपने लिए सबसे जायंट पिज्जा जो है वो ऑर्डर के लिए दे दिया है। अब देखो कितना बड़ा आता है, वो मेरे से भी बड़ा होगा यार, मैं कैसे खाऊंगी वो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि यार खाने को मिलेगा वो भी इतना बड़ा। देख रहे हैं और ये जो टोपी है मेरी बार बार मेरे मुंह पे गिर रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैंने घूंघट कर रखा है, वो भी जैकेट का घूंघट है ये। मेरा जायंट पिज्जा आ गया, और मैं देखकर शॉक्ड हूँ यार, बिल्कुल इतना बड़ा, मेरे हाथ से भी बड़ा हो रहा है यार। और ये इतना बड़ा पिज्जा सिर्फ एक स्लाइस है, जो कि मैं खाने वाली हूँ आज आपके सामने, मैं ये खत्म करके दिखाऊंगी। और ये जो एक स्लाइस है ये, पर मुझे ये देखकर लग रहा है कि ये पिज्जा तो मेरी बहन की जबान से भी लंबा है। वाओ, ये तो बहुत टेस्टी है। हाय हाय, इतना सुकून। तो गाइस अभी समरीन तो खाकर आ गई है अपना बड़ा वाला पिज्जा, अब मेरी बारी है कुछ खाने की। और ये मैं क्या क्यों खाओगी टाइनी, तुम क्यों खाओगी बे? मैंने खा लिया, मेरे पेट का भर गया, बस तुम मत खाओ। अच्छा, मेरा छोटा सा पेट है, इसको ना भरू। तो गाइस ये है मेरे बड़े से प्लेट में छोटे छोटे बर्तन, तो इससे मैं बनाने वाली हूँ अभी अपने लिए ब्रेड और एग, और इसमें मैं टाइनी की हेल्प कर दूंगी थोड़ी बहुत। हाँ बिल्कुल, समरीन के दिल जितना छोटा। बाल बात अच्छा तो बनाया, पर नमक हद से ज्यादा, इतने पापा की जैकेट पे डाल दिया गाइस। बाल अब मुझे नहीं पता कहाँ जाएगा ये बाल। मुझे बहुत देर से प्यास लग रही थी यार, और मैं पानी नहीं पी पा रही। अब तुम इसमें पानी पियोगी और मैं पियूंगी पानी अपना इसमें, चिल्लू भर पानी। काफी कर तो आ गई हूँ, अब मुझे थोड़ा रेस्ट करना है यार। और मेरे पास रेस्ट करने के लिए इतना बड़ा बेडरूम है, जायंट सा वो भी, सब कुछ कर सकती हूँ मैं यहाँ पे, पूरा रूम मुझे मिला है, मैं आज जायंट हूँ पूरे दिन के लिए। और वो जो एक छोटी सी नन्ही सी टाइनी लड़की है, उसके लिए हमने मंगाया है ये टाइनी सा बेड, जो की मकासा का बेड है। वो लड़की मकासा कपड़े पहनेगी, मकासा का ब्लैंकेट लेगी, मकासा का बेड लेगी, क्योंकि वो आज मकासा जितनी बड़ी ही बनी है। लेकिन अब मुझे टेंशन इस बात की हो गई कि मकासा तो यार एक कैट है, तो वो इसके अंदर आ जाता है, लेकिन वो तो एक एलिफेंट है यार। ब्लैंकेट रोल बनाएंगे, आपको खाना सर्दियों में बहुत ज्यादा काम आता है। ये अल्लाह, ये तो हिल ही नहीं रही है यार। एक तो इतनी भारी जैकेट मैंने पहन ली है गाइस, मैंने इतनी भारी जैकेट पहनी है कि मैं मुड़ कि मैं मुड़ भी नहीं पा रही हूँ। रोल मुंह मत बंद करो मेरा, लड़की मार रही है। जायंट हो ना तो जायंट बनो फिर। डोसा, अरे कैसे जिंदा रोल बन रही है बिल्कुल। मेरे को गिरा
अपने यार ये क्या है अब तुम देख रहे हो तुम्हारे साथ क्या होता है। गाइस ये मेरा कपड़ा इतना छोटा है कि कहीं भी निकल जाता है यार। कपड़ा नहीं छोटा है, तुम मोटी हो कपड़े से। ये मेरा भी था। अरे हट यार। अरे बिल्कुल अंधेरा है अंदर। अबे ऐसे नहीं जाते अंदर। नहीं हो पा रहा। गाइस एक बात मैं बताना चाहूंगी यार, किसने मकासा के कपड़े पे पूरा अपना मेकअप लगा दिया है यार। जरा मकासा भी यार मैं ऐसी पहन लेती हूँ यार, घर पे नहीं हो पा रहा तो ये मैं ऐसी पहन के रहूंगी पूरे टाइम। तो इसके अंदर सही से घुसो फिर। हट जाएगा। मकासा वाली क्यूटनेस नहीं आ सकती। बहुत भारी है। चार मैं अंदर आ चुकी हूँ। टॉर्चर है। बंदा अब मैं निकलूंगी कैसे? अब तुम हमेशा जिंदगी भर इसी में फंस जाओगी। और फिर जिंदगी भर लोग कहेंगे चक्की चक्की नमक निकाल। अब तुम हमेशा ऐसी रहोगी। चलो चलो भाई मैं तो चली यहाँ से, इसको इसके अंदर फंसे रहने देते हैं। चलो चलो आप लोग भी चलो मेरे साथ, चलो इसको अंदर ही रहने देते हैं। मेरे को जाना पड़ेगा, इसको जाना पड़ेगा। अब मेरा मन कर कि मैं अपने कोई हेयर स्टाइल बनाऊं, और जैसे कि हेयर स्टाइल बनाने टाइम लोग बालों में कुछ फूल या कुछ गजरा लगाते हैं, जो कि मुझे जायंट लगाना पड़ेगा। तो जायंट तो मेरे पास कुछ इतना मिला नहीं, लेकिन मेरे पास ये पत्ता मिल गया मुझे जायंट था। और जायंट का ये मतलब मैं पेड़ तो नहीं लगा सकती यार अपने बालों में, सोचकर भी देखो कितना अजीब लगेगा मेरे सर पे पेड़। तो मैं लेकर आई हूँ ये प्यारा सा बड़ा सा जायंट पत्ता। अब मैं इसको लगा लेती हूँ अपने बालों में और हेयर स्टाइल बनाकर दिखाती हूँ। अम्ब्रेला रख लिया मैंने। डांस 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 विद माय हैंड्स हैंड्स। ये मेरा थिंग है, ये मेरा थिंग है, ये मेरा पेट है, ये मेरा ध्यान रखिएगा ऐसे ऐसे। अब आप बताओ इसको देखकर आपको किसकी याद आ रही है। तो मेरे सर में एक मोर ने आकर अपने पंख फैला लिए हैं देखो, और मुझे कहीं से ये लग रहा है कि ये थिंग भी है। देखो उसके हाथ बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल। क्या आप लोग कभी ये ट्राई करोगे, कमेंट में बताओ जल्दी से। ये है मेरे जायंट जूते जो कि सबसे बड़े हैं। यहाँ पूरे आधे में मेरा कुछ नहीं आ रहा पैर। ये है मेरी टाइनी चप्पल जो कि बिल्कुल भी टाइनी नहीं है। ये मेरे ही साइज का है, मुझे मिला ही। चीटर चीटर राहुल। तो अभी हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं। हम लोग को इस गेम में एक रेस लगानी है। जैसे कि ये टाइनी है तो इसको बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और वहां तक जाना है। और मुझे इतना भी मैं जायंट और बड़ा स्टेप ले सकती हूँ वो लेकर जाना है। देखते हैं सबसे पहले कौन पहुंचता है। अरे यार रूम तक जाना है बस हमें। ठीक है टाइनी टाइनी स्टेप लेना। हाँ तुम भाई इसका नहीं लोगी। ठीक है वो यार स्टार्ट। अच्छा काशिप बोलेगा स्टार्ट। अबे यार अन्याय हुआ है मेरे साथ। चलो गाइस अब थोड़ा और खेल कूद कर लेते हैं। ये मेरा जायंट बॉल है और ये मेरी टाइनी बॉल और छोटी है। और ये देखो एक छोटा बॉल इसके बॉल को टक्कर दे सकता है। देखते हैं मेरा बॉल ऐसा मारेगा ना कि फिर तुम्हारा छोटा बॉल टूट जाएगा। फेक गया बॉल, छोटा बॉल तो कहाँ गुम हो गया पता भी नहीं चलेगा। ये है मेरी जायंट चेयर देखो, और ये है मेरी मिनी चेयर जिस पर मुझे बैठना है। तो चलो बैठ के देखते हैं। ध्यान से चेयर को तोड़ मत देना। बेचारा चेयर मन में सोच रहा होगा। अरे यार ये तो चेयर ही मेरे अंदर धस गई। चेयर का तो पता ही नहीं चला कहाँ गया। क्या है यार एक हथिनी को टाइनी चीज दे दी है करने के लिए। तो तुम्हारा सिर्फ हाथ ही बैठ सकता है। उंगली बैठ सकती है लेकिन ये देखिए। ये है मेरी जायंट कैट और ये है मेरी टाइनी कैट जिसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है। पर मेरे इस जायंट वाली के पास तो है ना। नहीं ये जायंट मेरा है। चल चल जायंट कैट को लेकर आ गया। अरे यार ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो पूरे दिन हमने यूज कर लिए जायंट और टाइनी थिंग्स और बहुत मजा आया हमें। तो मैं तो बिल्कुल बड़ा बड़ा फील कर रही थी आज। हाँ, और हमें मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया इस चीज को छोटे और बड़े चीजों में। मैंने भी मजा आ रहा था हम लोग। तो अब बस हम लोग सोने जा रहे हैं और मैं ये जायंट कपड़े पहनकर ही सोने जा रही हूँ। मेरे लायक तो कुछ था ही तो मैं तो बस चेंज करके सो जाऊंगी। तो यही पर खत्म होती है हमारी वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना जिससे समझेंगे आपको जो भी वीडियो आएगी वो आपको पता चल जाएगा। और आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो करो। आपको देख रही होगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।